Dear students, in the last video lecture, I discussed about single phase inverters. In this lecture, I am going to start three phase inverter. So there are two types of three phase voltage source inverter. One is 180 degree mode voltage source inverter. Another one is 120 degree mode inverter. हम लोग देखते हैं कि 180 degree mode और 120 degree mode में क्या अंतर है. यहां पर हम लोग स्विच को, जो भी स्विच हम लगाते हैं ब्रिज में, उस स्विच को 180 डिग्री एंगल के लिए ऑपरेट कराते हैं. यहां पर सारे स्विच हमारे क्या करते हैं, 120 डिग्री एंगल तक के लिए कंडक्ट करते हैं. यही दोनों में अंतर है, 180 डिग्री मोड और 120 डिग्री मोड. तो आज के लेक्चर में हम लोग 180 डिग्री मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को डिस्कस करते हैं. इन टूडेज लेक्चर लेट अस डिस्कस 180 डिग्री मोड 180 डिग्री मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर. क्लियर? तो हम लोग 180 डिग्री मोड वोल्टेज इन्वर्टर को, थ्री फेज इन्वर्टर को डिस्कस करते हैं. क्लियर? 180 डिग्री मोड. और आप जब 180 डिग्री मोड VSI लिख दोगे, इतने से आदमी समझ जाएगा कि आप थ्री फेज इन्वर्टर की बात कर रहे हैं. हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना चाहिए. तो चलिए एक डायग्राम बना देते हैं. एक बैटरी लेंगे VS, और यहां पर क्या करना है, एक ब्रिज बनाना है. आप समझ सकते हैं कि थ्री फेज की जब बात हो रही है तो टोटल देयर विल बी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थ्री फेज दैट मींस देयर विल बी टोटल 6 नंबर ऑफ स्विचेज, जैसा कि आप रेक्टिफायर में बनाते थे. तो यहां पर भी टोटल 6 नंबर ऑफ स्विचेज हम बना दे रहे हैं. अब देखिए स्विचेज है, इसके एंटी पैरेलल में क्या लगेंगे, इसके एंटी पैरेलल में फीडबैक डायोड्स को लगना है. तो यहां पर फीडबैक डायोड्स को भी आप लगा दो. यहां पर एंटी पैरेलल में हम लोग फीडबैक डायोड को लगा दे रहे हैं. एंटी पैरेलल में हम लोग यहां पर फीडबैक डायोड को लगा दे रहे हैं. देखिए ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, ज्वाइंट होगा यहां पर, ये इसके साथ ज्वाइंट होगा. स्विच का अगर हम नंबर दें तो नंबर क्या क्या दिया जाएगा, ऊपर में ऑड S1 S3 S5, नीचे में क्या दिया जाता है, इवन, और तीन का डिफरेंस S2 S6 और S4. सिमिलरली डायोड स्विच भी D1 D3 D5, सिमिलरली D2 हियर D6 हियर इट इज D4. समझ में आ गई बात? अब देखिए ये डिवाइस हम किस लिए बनाए हैं, ये थ्री फेज इन्वर्टर है, दैट मींस इट विल कन्वर्ट DC वोल्टेज इनटू थ्री फेज AC वोल्टेज. तो थ्री फेज AC वोल्टेज कैसे बनाया जाए, देखिए हम लोग थ्री फेज AC वोल्टेज का मतलब क्या है, आपके पास लोड क्या होगा, लोड ही थ्री फेज होगा. थ्री फेज स्टार कनेक्टेड हो सकता है, डेल्टा कनेक्टेड हो सकता है. हम क्या कर रहे हैं, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड बना दे रहे हैं. क्लियर? थ्री फेज स्टार कनेक्टेड लोड बना दे रहे हैं. ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, एंड ऑल द थ्री रेजिस्टर्स आर इक्वल टू आर. क्लियर? देखिए यहां पर ये आर फेज होगा, ये वाई फेज होगा और ये बी फेज होगा. यहां पर आर फेज को किससे कनेक्ट करेंगे, आर फेज विल बी कनेक्टेड टू आर. सिमिलरली वाई फेज विल बी कनेक्टेड टू वाई एंड बी फेज विल बी कनेक्टेड टू बी. बी फेज विल बी कनेक्टेड टू बी. हमने यहां पर कनेक्शन कर दिया, आप देख सकते हैं ये यहां पर हमें कनेक्शन मिल गया. क्लियर? अब हमें देखना है, नाउ वी हैव टू चेक कि इसका ऑपरेशन कैसे किया जाए. आपके पास टोटल 6 नंबर ऑफ स्विचेज लगे हुए हैं, आप समझ सकते हैं यू हैव टू कंट्रोल द स्विच, यू हैव टू कंट्रोल द स्विच एंड यू विल बी एबल टू ऑब्टेन द थ्री फेज AC वोल्टेज. क्लियर? तो अब चूंकि हमें थ्री फेज AC वोल्टेज चाहिए, वी नीड थ्री फेज AC वोल्टेज. आप यहां पर देखिए कि आप तीन फेजेज हैं R Y B, तीन फेजेज हैं R Y B, R Y B. आर फेज में कौन कौन सा है, S1 S4, वाई फेज में हमारा S3. देखो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, ये डिफिकल्ट नहीं. ये ऑड वाले पॉजिटिव ग्रुप स्विच हैं, इवन वाले निगेटिव ग्रुप स्विच है, ये इतना हमें दिया गया है. अब हमें इन सारे स्विच को ऑपरेट कराकर क्या करना है, R Y B तीनों फेज लेने. क्लियर? तो जब हम पॉजिटिव सीक्वेंस लेंगे तो हमारा क्या जानते हैं, VR होगा, यहां पर VY होगा और यहां पर VB होगा. क्लियर? VR VY VB.
तो पहले हम देखते हैं कि किस सीक्वेंस में स्विच को कितने देर ऑपरेट कराना है, और उसके बाद फिर ऑपरेट जब स्विच को कराएंगे तो वहां से क्या क्या इक्वेशंस आते हैं, और उसके बाद हम लोग वेवफॉर्म बनाएंगे। एट लास्ट वी ड्रॉ द वेवफॉर्म, एट लास्ट वी ड्रॉ द वेवफॉर्म। तो देखिए यहां पर ऑपरेशन किस तरह से होता है। देखिए ऑपरेशन को अगर हम दिखाएं तो यहां देखिए हमारे पास टोटल, देखिए हम लोग आर फेज की अगर हम बात करें, आर फेज किससे एसोसिएटेड है, स्विच एस वन से। यानी कि अगर कोई t इक्वल टू जीरो पर हमें कहे ये ओमेगा t इक्वल टू जीरो है, इधर की एक्सिस है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट से किसको ट्रिगर करेंगे, S1 को ट्रिगर करेंगे। इस पॉइंट से हम लोग S1 को ट्रिगर करेंगे। पहले आपको क्या चाहिए, R फेज चाहिए। R फेज में कौन सा एसोसिएटेड है, S1 और S4, क्लियर। तो S1 कितने देर के लिए ट्रिगर करेगा, 180 डिग्री के लिए। S1 कितने देर के लिए ट्रिगर करेगा, 180 डिग्री के लिए S1 ट्रिगर करेगा। इसके बाद फिर अगला 180 डिग्री के लिए किसको कराओगे, S4 को कराओगे। आप पहले 180 के लिए पॉजिटिव ग्रुप को करा दीजिए, अगले 180 डिग्री के लिए निगेटिव ग्रुप को करा दीजिए। टोटल हमारा S1 और S4 हो गया। नेक्स्ट दूसरा अगर हम डिस्कस करें, R के बाद दूसरा क्या है, दूसरा वाई फेज है। वाई फेज के लिए क्या करोगे, आप देखिए वाई फेज के लिए स्विच कौन सा है हमारा, S3 और S6। तो पहले S3 को ऑपरेट कराना है, लेकिन आप क्या जानते हैं वाई फेज जो है 120 डिग्री से लैग कर रहा है। वाई फेज आर फेज से 120 डिग्री से लैग कर रहा है। इसका मतलब अगर आर फेज जीरो से स्टार्ट हुआ था तो वाई फेज क्या होगा, ये आपका एंगल है 180 डिग्री पाई, तो ये मान लीजिए एंगल है 120 डिग्री, दैट मींस 2 पाई बाय 3। तो यहां से आपका क्या होगा, वाई फेज स्टार्ट होगा, और ये कहां तक जाएगा भाई, ये यहां तक आएगा, ये भी 180 डिग्री के लिए कंडक्ट होगा। ये हुआ हमारा एस थ्री, एस थ्री विल कंडक्ट फॉर 180 डिग्री। After 180 क्या होगा, S6 कंडक्ट होगा। ये हमारा टोटल है पाई, 2 पाई है ये एंगल। तो यहां क्या होगा, अगले 60 के लिए ये S6 कंडक्ट होगा, और यही S6 कहां होगा, S6 इधर पीछे भी वही कंडक्ट करेगा, पीछे भी क्या करेगा 120 के लिए S6 ही कंडक्ट करेगा। यानी 180 के लिए S3 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120, दैट मींस 180 के लिए S3। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब देखो, अब तीसरा हमारा बी फेज। भाई बी फेज के लिए क्या है, S5 और S2। बी फेज क्या होता है, 120 डिग्री लीड करता है। लीड करने का मतलब इससे 120 डिग्री पहले से ये कंडक्ट कर रहा था। कौन सा कंडक्ट कर रहा था, S5। S5 वाज कंडक्टेड 120 डिग्री बिफोर दिस पॉइंट, क्लियर। तो यानी कि जब 120 डिग्री पहले से कंडक्ट करता आ रहा था, तो आगे कितना कंडक्ट करेगा S5, 60 डिग्री। S5 आगे कितना कंडक्ट करेगा, 60 डिग्री। तो ये रहा पार्ट S5। अब S5 के बाद कौन सा कंडक्ट करेगा, S2। ये कहेगा कोई बात नहीं, अब मैं हूं, मैं 120 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए मैं कंडक्ट करूंगा। तो ये देखिए क्या होगा, अगला 180 डिग्री के लिए ये कंडक्ट करेगा, इसका नाम है S2। अब फिर क्या करेगा, बचा हुआ 120 S5 करेगा, यार हमें तो 160 डिग्री कंडक्ट होने दिए, बाकी तुम कंडक्ट हो लिए, फिर से मुझे इस साइकिल में 120 डिग्री कंडक्ट होने दो। तो ये क्या होगा, अगला जो पार्ट है ये है S5, अगला पार्ट है S5, S5, S2, S5, क्लियर। ये हमें इंटरवल मिल गया, सारे डिफरेंट इंटरवल्स मिल गए, 0 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 पाई, ये रहा 4 पाई बाय 3, ये रहा 5 पाई बाय 3, इसी तरह से हमें इंटरवल्स मिल गए। बात समझ में आ गई, गुड। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें इसको ऑपरेट कराना है। तो भाई ऑपरेट कराने का मतलब क्या है, अब हम लोग डिफरेंट मोड्स में देखेंगे कि कैसे कैसे स्विच को ऑपरेट कराया जाए। अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहीं से आप सारा ऑपरेशंस को कर पाओगे। ये ग्राफ समझ गए मतलब आप सब कुछ समझ गए इन्वर्टर का। देखो जीरो से लेकर पाई बाय थ्री की अगर हम बात करें, मोड वन में आइए, मोड वन, मोड वन का मतलब क्या है, जीरो से पाई बाय थ्री। मोड वन का मतलब है जीरो टू पाई बाय थ्री। तो जब हम जीरो टू पाई बाय थ्री आते हैं, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम जीरो टू पाई बाय थ्री,
आप क्या देख रहे हो, तो तीन स्विच ऑपरेट कर रही है, पहला आर फेज के लिए एस वन, वाई फेज के लिए एस सिक्स और तीसरा बी फेज के लिए एस फाइव। देखो ध्यान से, आर के लिए एस वन, बाद में मत बोलना कि सर ऊपर ऊपर कुछ पढ़ा दिए बाउंस हो गया, एस वन एस फाइव, एस वन एस सिक्स और एस फाइव, ये कौन कौन से कंडक्ट हो रहे हैं, एस वन एस सिक्स एस फाइव, यानी आर वाई बी, क्लियर। अब बताओ एस वन क्या है, पॉजिटिव ग्रुप है, ऑड वाला पॉजिटिव है, इवन वाला निगेटिव है, ऑड वाला पॉजिटिव और इवन वाला निगेटिव, बाकी सब क्या रहेगा, बंद रहेगा। अब कहोगे सर ये बंद रहने चालू रहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक तीन ही स्विच ऑपरेट कर रहा है जब 0 to π/3 के कंडीशन में, बाकी तीन स्विच को आपको ऑफ रखना है। कौन कौन सा कर रहा है, एस वन कर रहा है, एस सिक्स इज ऑपरेटिंग एंड नेक्स्ट एस फाइव इज ऑपरेटिंग, एस वन एस फाइव एंड एस सिक्स, बाकी ये तीनों ऑफ है। तो जब हम ब्रिज बनाएंगे, जब आप ब्रिज बनाओगे यहां से क्या देखोगे, एस वन ऑपरेट कर रहा है, नेक्स्ट एस फाइव ऑपरेट कर रहा है और नीचे से कौन सा ऑपरेट कर रहा है, नीचे से एस सिक्स ऑपरेट कर रहा है, एस वन एस सिक्स। देखो इसी तरह का डायग्राम बनाएगा और इससे सिंपल तरीके से आपको कहीं पर समझाया हुआ लेक्चर मिलेगा तो आप मुझे बतला देना, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं। ये इन्वर्टर वाला पोर्शन, एस वन एस फाइव एस सिक्स, ये पॉजिटिव है तो ये भाई क्या कर रहा है, वीएस दे रहा है, यानी एस वन के पास क्या वोल्टेज है, वीएस, एस फाइव के पास क्या है, वीएस, एस सिक्स के पास वोल्टेज क्या है, अब कोई आप लोगों में कह दो माइनस वीएस, नहीं, ये क्या है, ग्राउंड टर्मिनल होता है भाई, ये ग्राउंड हुआ और वीएस मिला तो ये पार्ट हुआ वीएस, तो ये रहा जीरो वोल्ट, ये रहा जीरो वोल्ट। अब लोड कहेगा कि हमें कनेक्ट करो, चलिए लोड को कनेक्ट कर दिया जाए, लोड की बात मान ली जाए, लोड को हमने कनेक्ट कर दिया। अब लोड क्या कर रहा है, देखो आर फेज इससे कनेक्ट हुआ, वाई फेज इससे कनेक्ट हुआ और बी फेज इससे कनेक्ट हुआ, ये रेजिस्टेंस आर है, आर है, आर है, यहां का वोल्टेज कितना, आर पार्ट का वीएस, बी पार्ट का वोल्टेज वीएस और ये वोल्टेज कितना जीरो, ये वोल्टेज कितना जीरो, यानी कि ये वीएस यहां से इस पार्ट से ऐसे करंट आ रहा है, इस पार्ट से ऐसे करंट जा रहा है। थ्री फेज में क्या होता है, कोई दो अगर करंट दे रहा है कि करंट रिटर्न करता है, तो यहां देखिए वीएस के थ्रू करंट ऐसे आ रहा है, इस वीएस से करंट ऐसे आ रहा है लोड में, तो इससे करंट क्या होगा, निकल रहा होगा, इससे करंट निकलकर वापस इस बैटरी को आ जा रहा होगा, यही ऑपरेशन हुआ, यहां से करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है, और फिर ये करंट वापस इतना चला गया। हम मान लेते यहां से करंट आई आया, यहां से भी करंट आई आया, आई प्लस आई, ये करंट क्या होगा, टू आई करंट ऊपर जा रहा है, टू आई करंट ऊपर जा रहा है, ये बैलेंस लोड है, इसका मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट है, बैलेंस लोड का मतलब न्यूट्रल पॉइंट है, क्लियर। तो अब देखिए जब यहां तक समझ चुके हैं, अब हमारा टारगेट क्या है, अब भाई कोई चीज को आप पढ़ रहे हैं तो उसका टारगेट भी जानना चाहिए हमें, चूंकि आगे चलकर वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, सिंस वी हैव टू ड्रॉ द वेव फॉर्म, सिंस वी हैव टू ड्रॉ द वेव फॉर्म, इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि पहला 0 to π/3 पीरियड में वी आर की वैल्यू क्या है, वी वाई कितना है, वी वी कितना है, सिमिलरली लाइन वोल्टेजेस पता करना है, वी आर वाई कितना है, वी वाई बी कितना है, वी बी आर कितना है, वी बी आर कितना है, क्लियर। और देख लो ध्यान से, मैं किसी प्रकार के कोई बुक नोट इन सभी चीजों को नहीं देख रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो आपको भी इस लेक्चर को इतने बार देखना है, कॉपी में इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि आप भी मेरे तरह कल बोर्ड पर आकर पढ़ा सको, और आपको किसी को पढ़ाने का मन करेगा मुझे बतलाना, मैं आप मेरे बोर्ड पर आकर पढ़ा लेना, आप ही लेक्चर बना देना, मैं अपने चैनल से आपका लेक्चर प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर मोड वन में अब हमें वी आर वी वाई वी बी ये सब कैलकुलेट करना है, आई करंट आया, ये आई करंट वापस गया, आई टू आई, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको अब सिंपली एक बना दो, और सिंपल तरीके से लोड को समझना है, समझो आप, यही तीन था, आर 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 रेजिस्टेंस है, ये टर्मिनल है आर फेज, आर फेज को आपने क्या दिया वीएस, इसको भी क्या दिए हूं वीएस। अब समझो ध्यान से आर, अब देखो सर्किट को मैं थोड़ा सा रोटेट किया, इसको क्या मिल रहा है आर फेज को वीएस, वीएस दे दिए,
वाई फेज को क्या मिल रहा है, जीरो, जीरो दे दिए। बी फेज को क्या मिल रहा है, वीएस, तो वीएस दे दिए। वी फेज को वीएस दे दिए, इसलिए बैटरी को दो बार में दिखा दिए। ठीक है, ये देखिए करंट क्या है, आई, दिस करंट इज ऑल्सो आई, दिस करंट इज टू आई, दिस करंट इज टू आई। नाउ व्हाट विल डू, हमें आई पता करना है, केसीएल लगा दो। क्या लिखोगे, यहां से चलोगे नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हो, माइनस वी एस प्लस आई इंटू आर, ये वोल्टेज प्लस टू आई इंटू आर, टू आई इंटू आर विल बी इक्वल टू जीरो। यहां से आई क्या होगा, जल्दी बताओ, वी एस डिवाइडेड बाय थ्री आर, आई मिला वी एस डिवाइडेड बाय थ्री आर। तो जब आई मिला हमारा वी एस डिवाइडेड बाय थ्री आर, अब मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूं, इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, और मैं डायरेक्ट अब लिखूंगा यहां से, डायरेक्ट मैं यहां से वैल्यूज लिखूंगा, यहां से मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा। आई इक्वल टू वी एस बाय थ्री आर मिला, अब कहेगा भाई आर फेज का वोल्टेज क्या है, ये आर रहा, ये रहा न्यूट्रल, तो वी आर अगर आपसे पूछा जाए, वी आर कितना लिखोगे, वी आर विल बी इक्वल टू, वी आर विल बी इक्वल टू आई इंटू आर, यही होगा ना, ये प्लस माइनस इस डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा, आई इंटू आर। तो आई इंटू आर करोगे क्या होगा, वी एस बाय थ्री आर इंटू आर, यानी वी एस बाय थ्री, आपको आर फेज का वोल्टेज मिल गया वी एस बाय थ्री। सिमिलरली आपसे अगर वाई फेज का वोल्टेज मिलेगा वी वाई एन, अब देखिए ये टू आई करंट कैरी कर रहा है, यहां से यहां वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, टू आई आर। जब यहां से यहां वोल्टेज ड्रॉप टू आई आर हुआ, आप ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव यहां है, निगेटिव यहां है, लेकिन आपको क्या पता करना, वी वाई एन यानी निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस पता करना, ये ठीक इसके अपोजिट होगा, ये ठीक इसके अपोजिट होगा, यानी इधर से 2IR तो उधर से होगा माइनस 2IR, ये लिखिए माइनस 2IR, ये क्या हो जाएगा माइनस 2VS बाय 3, माइनस 2VS बाय 3, क्लियर। सिमिलरली अगर हम VB लिखें, सिमिलरली अगर हम VB लिखें, तो VB क्या होगा, ये B, ये N इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी IR, तो ये क्या होगा VS बाय 3, VS बाय 3, दिस इज VB, दिस इज VB, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव टू राइट वी आर वाई, यही से डायरेक्ट इस ग्राफ से लिखो, वी आर वाई पूछा जा रहा है, वी आर माइनस वी वाई क्या है, यहां का वोल्टेज वी एस, यहां का वोल्टेज जीरो, यानी वी आर वाई क्या हुआ, वी एस माइनस जीरो, दैट मीन्स वी एस। अब कहोगे सर हम इस सर्किट से पता करना चाहते हैं, पता कर लो इस सर्किट से, वही आएगा। नेक्स्ट वी वाई बी, वी आर वाई, वी वाई बी, y और b के बीच का, देखिए y का पोटेंशियल जीरो, v का पोटेंशियल वी एस यानी माइनस वी एस, टोटल क्या आएगा माइनस वी एस वी वाई बी। नेक्स्ट कोई कहेगा वी बी आर, वी बी आर कहेगा कैलकुलेट, यहां का पोटेंशियल वी एस, यहां का भी वी एस, डिफरेंस क्या होगा जीरो। देखो समझ में बिल्कुल आना चाहिए, जिस दिन आप ये समझकर पढ़ रहे होगे अगर कि थ्री फेज इन्वर्टर बहुत ज्यादा टफ टॉपिक है, एक बार मैंने आपको कहानी बतलाई थी ना कि सीनियर आपके ऑलरेडी बतला चुके हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, तो जब सीनियर बतला दिए हैं तो आप लोग टीचर की कहां सुनते हैं, आप तो सीनियर को ही मानते हो। लेकिन देखो बहुत ही आसान लग रहा है टॉपिक, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसका इसकी कोशिश कर रहा हूं कि जितने सिंपल तरीके से हो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको किसी किताब को नहीं पलटना पड़े इसको दोबारा पढ़ने के लिए। ये रहा मोड वन, ये पूरा इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट करना है यहां पर कौन पेन और पेपर पर, ये मोड वन हो गया। अब हम लोग मोड टू देखते हैं, अब हम लोग मोड टू देखते हैं, मोड टू में क्या होगा, समझ में आ रही है बात, अब हम लोग देखते हैं मोड टू। ठीक है, लेट अस डिस्कस मोड टू। मोड टू क्या होगा भाई, मोड टू होगा पाई बाय थ्री से लेकर कहां तक, टू पाई बाय थ्री से, पाई बाय थ्री से टू पाई बाय थ्री मोड टू होगा, ये रहा पाई बाय थ्री, ये रहा टू पाई बाय थ्री। यहां कौन कौन सा स्विच है, अच्छा देखो इसमें क्या इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं, यहां से यहां पूछ रहा है कौन कौन सा स्विच है, कौन है एस वन एस सिक्स और ये क्या है एस टू, एस वन एस सिक्स एस टू। अब आपको पॉजिटिव निगेटिव लिखना है, ऑड क्या होता है पॉजिटिव, इवन क्या होता है निगेटिव, ग्रुप लिखना है आर वाई बी, समझ गए आर वाई बी, यानी यहां पर अब लोड को डायरेक्ट में बना रहा हूं,
निगेटिव मतलब जीरो पोटेंशियल, ये क्या है आर, दिस इज वाई, दिस इज बी, आर वाई बी, क्लियर। अब देखो आर का पोटेंशियल कितना, प्लस मतलब प्लस वीएस से कनेक्टेड होगा, प्लस वीएस से कनेक्टेड होगा, वाई जीरो और बी जीरो, यानी वाई और बी का पोटेंशियल सेम, दिस इज इक्वल टू जीरो, और आर का पोटेंशियल क्या है देखो वीएस, तो ग्राउंड के कंपेरिजन में वीएस कर दिए। आप कहोगे सर वीएस तो लिखा ठीक है, लेकिन इसका निगेटिव टर्मिनल को वाई से क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि वाई से ही जीरो पोटेंशियल दिखा रहा है ऑलरेडी, इसलिए मैंने वाई से कनेक्ट किया, समझ गए बात। ये रहा वीएस आर आर आर। अब भाई हमें यहां भी वी आर वी वाई वी बी कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए यहां पर ये वीएस करंट क्या कर, ये आई करंट इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा है, दिस आई बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आई बाय टू एंड आई बाय टू, तो आई बाय टू और आई बाय टू हो गया, इस लूप में केवीएल लगाओ क्योंकि आई पता करना है, तो बाय केवीएल, तो वेन यू आर अप्लाइंग केवीएल इट विल बी माइनस वीएस प्लस आई आर प्लस आई आर बाय टू इक्वल टू जीरो। फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर व्हाट डू यू राइट, फ्रॉम हियर यू राइट माइनस वीएस प्लस 3 आई आर बाई टू इक्वल टू जीरो। फ्रॉम हियर आई इज इक्वल टू 2 वी एस डिवाइडेड बाय 3 आर, फ्रॉम हियर आई इज इक्वल टू 2 वी एस डिवाइडेड बाय 3 आर। आई क्या मिला, 2 वी एस डिवाइडेड बाय 3 आर, तो जब हमें आई मिला 2 वी एस बाय 3 आर, तो यहां से क्या करेंगे, ये जीरो पोटेंशियल है, वाई है, आर है, बी है, तो वी आर कैलकुलेट करेंगे, मतलब वी आर माइनस न्यूट्रल, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप आई आर, तो वी आर क्या होगा, वी आर विल बी इक्वल टू, यहां मैं बना रहा हूं, यहां पर मैं बना रहा हूं, वी आर क्या होगा, वी आर विल बी इक्वल टू आई आर, तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू टू वी एस बाय थ्री आर, यानी कि टू वी एस बाय थ्री आर इंटू आर, तो टू वी एस बाय थ्री हुआ वी आर। सिमिलरली अगर कोई वी वाई पूछेगा, वी वाई क्या कहेगा, आई बाय टू इंटू आर तो होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, डायरेक्शन प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्शन है, ये क्या होगा, ये यहां पर माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस आई बाय टू इंटू आर, यानी कि टू टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी एस बाय थ्री। सिमिलरली वीबी लिखेंगे, अगर वीबी अगर लिखेंगे तो वीबी क्या होगा, देखो यहां पर वीबी क्या होगा, वीबी होगा यहां पर, ये भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल इसका भी होगा, माइनस वी एस बाय थ्री, क्योंकि VY VB को सेम पोटेंशियल पर ऑलरेडी आप कनेक्ट करके रखे हो। तो जब आपने VB लिख दिया, जब आपने VB लिख दिया, तो नेक्स्ट क्या लिखना है, VRY, VRY कैलकुलेट करो, R माइनस Y VS, VYB, VY माइनस VB, ये क्या हो जाएगा, VYB। देखो यहां पर एक चीज आपको देखना है कि जो यहां पर वी वाई लिखे हैं, हम वी वाई आया है माइनस पी एस बाय थ्री, क्लियर, और वीबी जो आपने लिखा यहां पर वीबी, ये वीबी आपका आएगा माइनस, आई कितना था, आई था हमारा, आई था हमारा टू वी एस वी वाई बी, हाँ वी वाई बी देखो क्या आएगा, माइनस बी एस बाय थ्री माइनस प्लस बी एस बाय थ्री, ये क्या होगा जीरो, VYB जीरो, और VBR क्या आएगा, VBR आएगा VB माइनस VR, तो ये क्या माइनस वी एस बाय थ्री माइनस टू वी एस बाय थ्री माइनस थ्री वी एस बाय थ्री, मतलब माइनस VS, ये रहा हमारा VRY, ये रहा VRY, क्लियर, ये रहा गया मोड टू। अब ये आपको टास्क दिया जा रहा है कि मोड थ्री का आप खुद से करना, आगे का जितना मोड है इसको खुद से करना, और ये सारा चीज आप जब ड्रॉ कर चुके हैं, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसका वेव फॉर्म। नाउ आई एम ड्रॉइंग द वेव फॉर्म, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका आप लोगों को इंतजार था और वो इंतजार अब आप लोगों का समाप्त हो रहा है। इस वेव फॉर्म को आप लोग जरूर ड्रॉ करना शुरू कर दें। देखिए यहां पर अब ढंग से बनाओगे एक्सिस, ढंग से एक्सिस बनाओ, ओमेगा टी, क्लियर। अब देखिए यहां पर ऑपरेट हमने कैसे कराया था, पहले हम 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यू हैव टू डिवाइड इनटू 6 पार्ट्स, दैट मींस एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री।
अच्छा यहां पर क्या देख रहे हो, सारे स्विच तो 180 डिग्री के लिए कंडक्ट करते हैं, लेकिन चूंकि एट ए टाइम तीन स्विच को ऑपरेट किया जाता है, तीनों का एंगल्स अलग अलग है, तीनों का एंगल्स अलग अलग है, इसलिए हमें क्या मिलता है, हर पाई बाय थ्री के बाद क्या मिलता है, हमें दूसरे टाइप का वोल्टेज मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये मिला हमें इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपने पहले किसको ऑपरेट किया था, R को, जब R को आप ऑपरेट कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, पहले S1 कंडक्ट किया था यहां से यहां तक, फिर क्या किया था S4 कंडक्ट किया था, सिमिलरली आफ्टर 120 डिग्री आपने S3 को कंडक्ट कराया था Y के लिए, Y के लिए क्या हुआ था, S3 कंडक्ट कर रहा था और S3 के बाद क्या होगा, S6, S6 यहां भी क्या बचेगा, S6 यहां भी बचेगा, S6। तीसरा क्या है, B फेज, तीसरा है B फेज। आप कहोगे सर RY को ऊपर लिख रहे हो, B का नीचे, देखो मैंने एक्सिस बना दिया तो नीचे B लिखा जा रहा है, ऊपर भी लिख सकते हो। B में क्या है भाई, B 120 डिग्री पहले ही कंडक्ट कर रहा है, यानी अगला 60 तक कंडक्ट करेगा, और ये क्या कंडक्ट करेगा, B है तो ये यहां पर S5 है, S5 नेक्स्ट क्या कंडक्ट करेगा, S2, S2 नेक्स्ट इतने दूर के लिए कौन सा कंडक्ट करेगा, S5 नेक्स्ट, S5 नेक्स्ट, S5 ठीक है, R Y B, R Y B ये तीन फेज हो गया, ठीक है, R Y B तीन फेज हो गए। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द वेवफॉर्म्स, पहले वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं VR का, R फेज का, फिर हम लोग साथ में ड्रॉ करेंगे Y फेज का, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे B फेज का। भाई R फेज में आप लोग अपना अपना नोट पलटिए, उसमें आपको मिला था 0 to, मुझे कुछ पलटने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है 0 to π/3 क्या मिला था, Vs/3, π/3 से π मिला था 2Vs/3, और जब अगला मोड 3 कैलकुलेट करोगे ना आप लोग तो वहां भी मिलेगा आपको Vs/3, वहां भी आपको मिलेगा Vs/3, समझ में आ रही है बात, वहां भी आपको मिलेगा Vs/3, Vs/3 हो गया 2Vs/3 एंड देन Vs/3। इसके बाद चौथा मोड में जाओगे तो आपको मिलेगा -Vs/3। कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, आपने तो सारे मोड का निकाला ही नहीं, तुम भी मत निकालना, ठीक है, आप लोग भी मत निकालना, भरोसा रखो, -Vs/3। ये रहा हमारा R फेज का। तो अब क्या ये दिखने में अल्टरनेटिंग करंट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, आप देखिए इस तरह से डॉटेड लाइन साइनसॉइडल की तरफ मिलाइए तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर रहा आर वाई, अब देखो R फेज का कर दिया, वाई फेज का वोल्टेज लिखना है। देखो ये सेम वेव फॉर्म कहां से कहां जाना चाहिए, 120 डिग्री लैग करना चाहिए, यानी जो पार्ट यहां 0 से स्टार्ट हुआ ये 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, पहला दूसरा तीसरा, इसके बाद क्या होगा माइनस वी एस, जब ये माइनस वी एस में आएगा तो ये क्या कहेगा -Vs/3 आएगा, इसके बाद क्या होता है -2Vs/3 होता है, ये रहा -2Vs/3 और ये रहा -Vs/3, -2Vs/3 -Vs/3, यानी कि यहां पर क्या मिला, इस तरह से हमें मिल रहा है, यहां पर इस तरह से मिल रहा है Vy का। नेक्स्ट Vb, Vb का अगर हम देखें तो Vb का देखें तो ये क्या रहा, 120 डिग्री लीड चल रहा है, लीड चलने का मतलब क्या है, इसको 120 डिग्री पीछे कर दो, यानी दो बॉक्स पीछे कर दो, दो बॉक्स पीछे करोगे क्या होगा, अगर ट्रेन में मान लो कि दो बॉक्स या पीछे जाओगे क्या करोगे, ये पहला पीछा है दूसरा पीछा है, यानी Vs/3 से स्टार्ट करोगे, Vs/3, इसके बाद माइनस वाला पार्ट आएगा -2Vs/3, देन -Vs/3, देन +Vs/3, देन +2Vs/3, यही आएगा Vs/3 -Vs/3, ये आएगा -2Vs/3 -Vs/3 +Vs/3 2Vs/3, ठीक है। तो यहां से देखो इस तरह से रहा Vb,
वी आर वी वाई वी बी। क्लियर? अब कहोगे सर वी आर वाई थोड़ा सा बना दो लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज में याद करो दो तरीके से बना सकते हैं, आर माइनस वाई करते जाओ बनाते जाओ, या फिर आप क्या करो कॉपी पलटो और वहां जो जो मैंने बतलाया था आर वाई वो सब वैल्यूज देखो। आप देखोगे पहला बार मिला था वी एस, दूसरा भी मिला था वी एस, तीसरा में मिलेगा आपको जीरो, चौथे में जाकर माइनस वी एस मिलेगा, पांचवें में भी माइनस मिलेगा, छठे में जीरो। ये रहा हमारा वी आर वाई का, यानी लाइन वोल्टेज का कुछ अजीब सा वेव फॉर्म मिला है वी आर वाई, यानी लाइन वोल्टेज जीरो भी हो रहा है यहाँ पर, यहाँ भी जीरो हो रहा है, जीरो है ये, टू पाई बाई थ्री है यानी ये पाई है। ठीक है, ये हमें मिल गया, ये हमें मिल चुका है। अब जब ये सारा चीज हमें मिल चुका है, अब क्या करना पड़ेगा, अब तैयार हो जाओ अगली बारी है आपको आरएमएस वोल्टेजेस लिखना, फेज और लाइन का आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द लाइन फेज आरएमएस वोल्टेजेस ऑफ फेज एंड लाइन। तो मैं पहला लिख रहा हूं वी आर आरएमएस, यानी फेज का आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करो, फेज वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो फेज का आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहली बात आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर, इस सिग्नल को स्क्वायर करोगे तो यहां पूरा रोटेट करके ऊपर आ जाएगा, जैसा ऐसे ऐसा ये भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जीरो है, दिस सिग्नल इज पीरियोडिक विद पीरियड टू पाई, बट फॉर कंप्यूटिंग आरएमएस वैल्यू व्हाट यू सी when you will square the signal again you will get the same signal, that means after pi the signal will be repeated। इसका मतलब 0 to pi को period मानते हुए अगर यहाँ का RMS value हम calculate कर लें, we can easily write the answer। तो यहाँ का RMS value कैसे calculate कीजिए, यहाँ पर signals and systems को याद कीजिए, ठीक है, और वहां पर लिखिए Vs by 3 whole square, square ही होता है, into कितने देर के लिए, यहाँ से यहाँ time period क्या है pi by 3, pi by 3 प्लस दूसरा क्या मिल रहा है भाई, प्लस 2 वी एस बाय 3 का होल स्क्वायर मिल रहा है इंटू पाई बाय 3 मिल रहा है, प्लस तीसरा क्या मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है वी एस बाय 3 होल स्क्वायर इंटू पाई बाय 3। ठीक है, और नीचे क्या मिल रहा है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड, क्या है टोटल टाइम पीरियड हमारा पाई, ये मिला वी आर आर एम एस। तो यहां से आप क्या देखोगे, आप यहां से वी एस स्क्वायर को बाहर लोगे तो रूट से बाहर आकर वी एस हो जाएगा, इंटू पाई बाय 3 वाले, ये 3 वाले पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 3 वाले टर्म को भी बाहर करोगे डिवाइडेड बाय रूट 3 हो जाएगा, अंडर में क्या बचा 1 बाय 9 प्लस 4 बाय 9 प्लस 1 बाय 9, दैट मीन्स वी एस बाय रूट 3 अंडर रूट 6 बाय 9। तो 6 बाय 9 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या मिलेगा वी एस अंडर रूट वी एस, फेज वोल्टेज है ये है फेज वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज आपको क्या मिलेगा वी एस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, यही मिलेगा वी एस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 क्या करेगा रूट 3 इसको काटेगा, रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 हुआ, ये रहा वी आर। सिमिलरली वी वाई आर एम एस करो या वी बी आर एम एस करो सेम मिलेगा, बस फेज शिफ्ट हुआ है, यानी कि आप लिख सकते हैं वी आर इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी पे फेज आर एम एस। ये क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है वी एस अंडर रूट 2 बाय 3, वी एस अंडर रूट 2 बाय 3 ये वैल्यू इसकी मिल रही है आपको फेज वोल्टेज की। दूसरा देखिए डिस्कस करते हैं, दूसरा डिस्कस करते हैं लाइन वोल्टेज वी आर वाई आर एम एस। भाई वी आर वाई आर एम एस देखो कितनी आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, 0 से 2 पाई बाय 3 वी आर वी एस मिल रहा है, 0 से 2 पाई बाय 3 वी एस मिल रहा है, 2 पाई बाय 3 से पाई क्या मिल रहा है 0, इसके बाद फिर निगेटिव मिल रहा है माइनस वी एस के साथ, लेकिन आप जब आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वेन एवर यू कैलकुलेट आर एम एस वैल्यू इसको स्क्वायर करते हैं ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी इसका भी टाइम पीरियड आप पाई मान लीजिए, पाई के लिए कैलकुलेट कर दीजिए। ये क्या है वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज वी एस है इनटू कितने टाइम पीरियड के लिए है अंडर रूट 2 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय आउट ऑफ टाइम पीरियड पाई। तो यहां से क्या मिल रहा है वी आर बाय आर एम एस, दिस इज कमिंग वी एस अंडर रूट 2 बाय 3, वी एस अंडर रूट 2 बाय। क्लियर?
यानी कि आप कह सकते हो वी आर वाई वी वाई बी वी पी आर सब आपको क्या मिला वी एस अंडर रूट टू बाई थ्री, यानी कि आप कह सकते हो वी लाइन आर एम एस वी लाइन आर एम एस इज इक्वल टू वी एस अंडर रूट टू बाई थ्री। अब कहोगे सर ये वाला पार्ट तो आसान था निकालना, लेकिन ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लगा। तो भाई मुश्किल वाला काम आपने क्यों किया, आप लाइन वोल्टेज निकाल लो, लाइन वोल्टेज निकाल दो, ये स्टार लोड है ही, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रूट थ्री विल बी फेज वोल्टेज, इसी को आप रूट थ्री से डिवाइड करो, इसको आप रूट थ्री से डिवाइड करोगे आपको ये इक्वेशन मिल रहा है, इसको रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो ये इक्वेशन मिल रहा है। आप क्या लिख रहे हो वी लाइन इज इक्वल टू वी फेज इंटू रूट थ्री, ठीक है, यानी फेज को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो लाइन मिल गया, लाइन को रूट थ्री से डिवाइड कर दो फेज मिल गया, लाइन को रूट थ्री से डिवाइड कर दो आपको फेज मिल गया। ये आपको लाइन आरएमएस और फेज आरएमएस वोल्टेज का मिल गया। सिंस दिस इज अ रेजिस्टिव लोड, सिंस दिस इज अ रेजिस्टिव लोड, प्योर रेजिस्टिव लोड, तो रेजिस्टिव लोड में आपका क्या होगा, करंट कैलकुलेट करना है, वोल्टेज को आर से डिवाइड कर दो वही आपका करंट होगा। अगर यहीं पर आरएल लोड होता तो आरएल लोड में आपको करंट क्या मिलता, वोल्टेज का जो वेवफॉर्म मिला, करंट का वेवफॉर्म कुछ फाई एंगल से फेज शिफ्ट होता, करंट का वेवफॉर्म कुछ फाइव एंगल से फेज शिफ्ट होता हुआ आपको करंट का वेवफॉर्म मिलता। अब ये हो गया, इसके बाद कहोगे सर अब तो बस कर दीजिए, नहीं अभी अब आपको क्या पढ़ना बचा हुआ है, आपको पढ़ना इसमें बचा हुआ है हार्मोनिक एनालिसिस, हार्मोनिक एनालिसिस, क्योंकि आप क्या देख रहे हो यू नीड ए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बट यू आर नॉट गेटिंग साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, क्लियर, दैट मीन्स सम हार्मोनिक्स इज प्रेजेंट। कहां पर हार्मोनिक्स प्रेजेंट होगा, लोड के साइड प्रेजेंट होगा, यहां पर हार्मोनिक्स लोड के साइड प्रेजेंट होगा। तो यहां यानी हम क्या करते हैं, पहला करते हैं हार्मोनिक एनालिसिस ऑन फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज यानी इस वेवफॉर्म के हार्मोनिक एनालिसिस को लिखेंगे वी वी आर फेज, वी आर फेज अगर आप लिख रहे हैं या सिंपली वी आर लिखो समझ में आ जा रहा है, फेज की बात कर रहे हो, ये होगा सिग्मा सिग्मा एन इक्वल टू सिक्स के प्लस माइनस वन टू इंफिनिटी टू वी एस एन पाई इंटू साइन एन ओमेगा टी, क्लियर, ये रहा हमारा फूरियर सीरीज। अब कहोगे सर ये 2 वी एस बाई एन पाई, बिल्कुल ये 2 वी एस बाई एन पाई आएगा। यहां पर 6 के प्लस माइनस 1, आपने जैसे थ्री फेज में भी देखा था इवन एंड ट्रिपलेन हार्मोनिक्स आर अब्सेंट, तो यहां भी इवन और ट्रिपलेन हार्मोनिक्स अब्सेंट होगा, तो यहां पर n इक्वल टू 6 के प्लस माइनस 1 आ रहा है, n इक्वल टू 6 के प्लस माइनस 1 आ रहा है, यानी कि n इक्वल टू 1 आएगा, उसके बाद आप देखेंगे 3 नहीं आएगा, सीधे 5 आएगा 7 आएगा, इस तरह से वैल्यूज आएगा। अब आपको पूछा जा रहा है फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आरएमएस वोल्टेज, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आरएमएस फेज वोल्टेज, तो फंडामेंटल मींस यू विल हैव टू पुट एन इक्वल टू 1, अगर यहां पर एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे 2 वी एस बाय पाई आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि यहां पर क्या है, ये पीक वैल्यू जो साइन के साथ मल्टीप्लाइड है, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आरएमएस वैल्यू यू विल हैव टू डिवाइड बाय रूट 2, तो ये रूट 2 डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, रूट 2 वी एस डिवाइडेड बाय रूट टू वी एस डिवाइडेड बाय पाई। अब देखिए डिस्टोर्शन फैक्टर, वोल्टेज डिस्टोर्शन फैक्टर जी अगर फाइंड करें, ये क्या होता है फंडामेंटल बाय आरएमएस, फंडामेंटल क्या है रूट टू वी एस डिवाइडेड बाय पाई, रूट टू वी एस डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, फेज का कितना था, फेज का आरएमएस था हमारा वी एस अंडर रूट टू बाय थ्री, तो यहां से क्या होगा, यहां से ये क्या वैल्यू मिल रहा है, यहां से मिलेगा 3 बाय, यहां से मिलता है जी इज कमिंग 3 बाय पाई, तो जब जी इक्वल टू 3 बाय पाई है आपको कैलकुलेट करना, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस 1, इसको जब करेंगे तो यहां से आएगा 31.3% अप्रोक्स 31.3% हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट इन द वेवफॉर्म ऑफ फेज वोल्टेज, अप्रोक्स 31.3% ऑफ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वेवफॉर्म ऑफ फेज वोल्टेज, क्लियर, ये रह गया हमारा हार्मोनिक एनालिसिस ऑन फेज वोल्टेज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हार्मोनिक एनालिसिस ऑन लाइन वोल्टेज करना है,
हार्मोनिक एनालिसिस ऑन लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज का अगर हार्मोनिक एनालिसिस करें तो देखो, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इस वेवफॉर्म को मिटा दे रहा हूं, और यहीं पर हम लोग लाइन वोल्टेज की हार्मोनिक एनालिसिस करते हैं। देन वी कैन कंपेयर बोथ फेज एंड लाइन वोल्टेज। फिर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, फेज और लाइन को। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ लाइन वोल्टेज। तो देखो भाई, लाइन वोल्टेज में आपको क्या मिलेगा, VL, VRY लिख रहा हूं, VRY, ये आपको मिलेगा, VRY आपको मिलेगा सिग्मा N इक्वल टू 6K ± 1 टू इंफिनिटी 2VS, वहां मिला था फेज में, यहां मिलेगा 4VS बाय N पाई, इनटू एक टर्म ऐड होगा साइन N पाई बाय 3। सर ये क्यों ऐड हो रहा है साइन N पाई बाय 3, जो आपका पाई बाय 3 के लिए वहां पर गैप था ना, 0 टू 2 पाई बाय 3 लाइन वोल्टेज मिला है और पाई बाय 2 पाई बाय 3 से पाई नहीं मिला है, वही आपको यहां दिखला रहा, इनटू यहां साइन। अब यहां देखो ध्यान से, एन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 लिख रहा हूं। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है प्लस पाई बाय 6? आप जानते हैं कि अगर आपके पास फेज वोल्टेज VR है, ये VY है, तो यहां पर क्या होता है VRY, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है VRY, ये होता है VRY, दैट मींस एवरी लाइन वोल्टेज लीड्स द फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री, लीड्स द फेज वोल्टेज बाय 30 डिग्री, इसलिए यहां पर लीडिंग दिखलाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अब देखो, जब ये समझ में आ गए तो आपको क्या लिखना है, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज लाइन RMS। फंडामेंटल कंपोनेंट की बात करोगे भाई, 4VS बाय पाई होना चाहिए, तो यहां पर रूट टू से डिवाइड करोगे, 2√2VS डिवाइडेड बाय पाई इंटू साइन, क्या हो जाएगा, एन के जगह 1 पुट करो, साइन पाई बाय 3। तो भाई साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी, पाई VS इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से क्या मिल रहा है, √6 अपॉन पाई VS। जब ये मिला √6 अपॉन पाई VS, तो नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे G, डिस्टॉर्शन फैक्टर V01 अपॉन V0 not R। तो V01 क्या है, V01 हमारा दिया हुआ है √6 डिवाइडेड बाय पाई इनटू VS डिवाइडेड बाय ये दूसरा पार्ट क्या है, VS अंडर रूट 2 बाय 3, VS अंडर रूट 2 बाय 3, क्लियर, VS अंडर रूट 2 बाय 3। तो यहां से क्या होगा, यहां से VS कैंसिल आउट हो जाएगा, √6 डिवाइडेड बाय पाई इनटू अंडर रूट 3 बाय 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आपका इक्वेशन हो जाएगा √2 से कैंसिल 3 बाय पाई, यहां से हो जाएगा ये 3 बाय पाई। तो यहां भी G मिला 3 बाय पाई, THD क्या होगा, यहां भी THD विल बी इक्वल टू √1 बाय G²-1, यहां से भी क्या होगा THD 31.3%। यानी कि थ्री फेज 180 डिग्री मोड इन्वर्टर लेंगे, आपको टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मिलेगा 31.3% दोनों में, लाइन वोल्टेज में भी और दूसरा फेज वोल्टेज में भी, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द 180 डिग्री मोड इन्वर्टर, दिस इज ऑल अबाउट द 180 डिग्री इन्वर्टर मोड इन्वर्टर। आपसे अगर कोई पूछेगा कि 180 डिग्री मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है तो इसमें क्या, इसका क्या, ये इसमें सारे स्विच कितने देर के लिए कंडक्ट करेंगे, तो आप लिखोगे 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री एंगल के लिए सारे स्विच कन्वर्ट करोगे। अब कहोगे सर फीडबैक डायोड का यहां भी आपने कोई काम नहीं बतलाया, सिंस आई एक्सप्लेन ऑन रेजिस्टिव लोड, आई एक्सप्लेन फॉर रेजिस्टिव लोड, दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ रेजिस्टिव लोड फीडबैक डायोड डज नॉट कम इनटू पिक्चर। जब हम RL लोड की बात करते हैं तो RL लोड में फीडबैक डायोड के थ्रू करंट फ्लो होता, RL लोड में फीडबैक डायोड के थ्रू करंट फ्लो होता। समझ में आ गई बात? अब देखिए एक डिसएडवांटेज है, देयर इज वन डिसएडवांटेज ऑफ थ्री फेज 180 डिग्री मोड वोल्टेज इन्वर्टर। अब कहोगे सर एक क्या, दो, एक तो दिख ही रहा है डिसएडवांटेज,
एक तो डिसएडवांटेज है कि भाई यहां पर हार्मोनिक्स मिल रहा था, यहां पर हार्मोनिक्स मिल रहा था, एक तो ये डिसएडवांटेज हो ही है। एक और ड्रॉबैक है थ्री फेज, ड्रॉबैक ऑफ थ्री फेज 180 डिग्री मोड, ड्रॉबैक ऑफ थ्री फेज 180 डिग्री मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसका क्या ड्रॉबैक है? इसका ड्रॉबैक ये है कि आपने लगाया था, मान लो स्विच लगाया था S1, S4, S3, S6, अपनी कॉपी देखो आप लोग, S5, S2, क्लियर। अब क्या हो रही थी समस्या कि मान लीजिए S1, S6 और S5 कंडक्ट कर रहा था, S1, S6, S5 कंडक्ट कर रहा। अब इसके जस्ट बाद आप क्या करोगे, 0 to π/3 ये कंडक्ट कर रहा था, इसके जस्ट बाद जैसे ही π/3 से आगे बढ़ेंगे, अब जैसे ही π/3 से आगे बढ़ रहे हो, आप S4 को टर्न ऑन कर दे रहे हो। आप देख लो जो भी साइकिल आपको दिख रहा है, आप S4 को टर्न ऑन कर दोगे, फिर कोई और आय मिलेगा, आप S3 को टर्न ऑन कर दोगे, यानी कि इसको आपने ठीक से बंद हुआ या नहीं हुआ, आपने S4 को भी टर्न ऑन कर दिया, यानी कि ये इनकमिंग ब्रांच है, ये आउटगोइंग ब्रांच है, ये बंद होने वाला है, ये इनकमिंग यानी ब्रांच आ रहा है। तो जब भाई ये दोनों कहीं ना कहीं अगर एक साथ ऑन रह गया, ये ठीक से टर्न ऑफ नहीं होता, तो ये क्या होता है, यहां पर शॉर्ट सर्किट कर देता, ये क्या करता, सप्लाई को ही शॉर्ट सर्किट कर देता। जब सप्लाई को शॉर्ट कर देगा तो लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो, वो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड विल बी जीरो। तो ड्रॉबैक इसका क्या है, there is the possibility of short circuit across the supply। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि when outgoing, ये कब होगा, when incoming switches are turned on before the outgoing switches, are completely turned off। अब इसको रिमूवल के लिए क्या किया जाएगा, आगे देखते हैं हम लोग। 180 डिग्री मोड के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 120 डिग्री मोड पढ़ेंगे, वहां पर समझ में आ जाएगा। और दूसरा, यहां पर जैसे आप आगे इस पर इन्वर्टर्स पर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो देयर यू विल गेट जेड सोर्स इन्वर्टर। जेड सोर्स इन्वर्टर एक ऐसा होता है जो करंट सोर्स इन्वर्टर के भी तरह काम करता है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के भी तरह काम करता है, और उसमें ये वाली समस्या नहीं आती, जो यहां शॉर्ट थ्रू का कंडीशन हो रहा है वो वहां पर नहीं होगा, क्लियर। तो किसी भी डिवाइसेस का कुछ अगर डिसएडवांटेज है तो उसको फिर रेक्टिफाई किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट 180 डिग्री मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 120 डिग्री मोड VSI को डिस्कस करेंगे।